लखनऊ में छत गिरने से हादसा हुआ है। छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी किया था और उसके बाद अब जो है ये नोटिस जो दिया गया था उसके बाद जर्जर मकान खाली नहीं किया गया था और छत गिरने से हादसा हुआ है लखनऊ में। 5 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से परिवार में अब मातम पसरा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है छत गिरने की वजह से। रेलवे ने पहले ही नोटिस दिया हुआ था। और लखनऊ में आज सुबह एक और बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिर गई जिसकी वजह से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये कॉलोनी आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी है और इस हादसे की खबर सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो सालों पुरानी रेलवे कॉलोनी के मकान जर्जर हो चुके हैं और इसी मकान की एक छत शनिवार की सुबह गिर गई और हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि रेलवे ने पहले ही जर्जर मकानों को खाली कराने का नोटिस जारी किया था। और ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 20 लाख एनबीसीसी और 5 लाख कोर्ट रिसीवर देगा। मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। देर रात इलाज के दौरान 4 और मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तरक क्षेत्र में आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई थी और इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। एक मजदूर का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग आम्रपाली ग्रुप की है, इसे एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया था और हादसे के बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी हमारे साथ बातचीत के लिए समय जिला अस्पताल में मौजूद हैं। सर, यहां पर जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ गई है। हाँ, सुबह एक दुखद सूचना आई सुबह 6 बजे के आसपास कि जो 5 लोग एडमिट थे कल लिफ्ट गिरने वाले हादसे में, उसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। जो एक व्यक्ति है स्कैफ, उसे बचाने का पूरा प्रयास जारी है। अभी सीएमएस साहब से बात भी हुई और सभी तरह के रिसोर्सेज लगे हुए हैं ताकि उसकी जांच जान बच सके। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको कहीं और रेफर भी कराएंगे और अभी पूरी टीम का फोकस इसी पे है कि जो एक अभी घायल है व्यक्ति है उसकी जान बचाई जा सके। परिजन यहाँ पे मौजूद है और लगातार वो मुआवजे की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मीडिया के सूत्रों से पता लगा है कि कुछ मुआवजे का ऐलान एनबीसीसी द्वारा सरकार द्वारा हुआ है, ऐसा मीडिया सोर्सेज ने ही बताया। उसके अलावा भी मीडिया अभी जब बात हुई परिजनों से तो उनका 2-3 डिमांड्स हैं। वो कुछ परिजन मुआवजे की बात हो रही और निष्पक्ष कार्रवाई की बात हो रही है FIR में। वहीं हादसे में मरने वाले के परिवार वालों ने भी न्याय की गुहार लगाई है। सुनी, एक्सपायर हो गया तो हम उनके साथ में हैं। कब सूचना लगी आपको? हमें सूचना कम से कम ये सुबह हादसा हुआ था 8:30 बजे, लेकिन हमें जो सूचना लगी है वो शाम को तकरीबन 5 बजे लगी है। और ये सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये लापरवाही जो है ये पूरी लापरवाही की गई है, जिसमें जो है सबसे पहले उन्होंने उसको लेकर के जो आया गया है वो छोटे हाथी में लेकर के आया गया है। एम्बुलेंस उनको समय से नहीं मिली, पूरी रात मतलब यहाँ इंतजार करा, सुबह के टाइम में पता दिया इन्होंने, आनी ने कहा दी सही है सही है। जबकि जब आया था मेरा बच्चा तब वो बोल रहा था, अगर उस समय मेरे को बोल रहा था तो मेरे से बातचीत हो जाती तो शायद वो कुछ मेरे को बताता, लेकिन उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? जब मुआवजा मिलवो चाहिए बच्चा को, हमारे तो कोई करे ही नहीं। आप क्या करते हैं? कछु नहीं, हम तो बेकार हैं, तो पैरते हैं मजदूरी, पैर टूट हम 6 मंजिल गिरे हुए हैं। रात जब हम यहाँ डॉक्टर बोले के उनकी तबीयत कैसी है, उन्होंने बताया कि सही है सही है। उसे सीधे यहीं आ गए। हाँ, उन्होंने जहाँ डॉक्टर से हम रात आए, हमने पूछा भी हमें मिलने दो कैसी थे, किसी ने नहीं मिलने दिया। और जब हम सुबह आए हैं, सुबह डॉक्टर बोले जी उनका तो इंतकाल हो गया, खत्म हो गए, उनकी शनाख्त कर लो।
कानपुर में शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लग गई। घटना बेकनगंज थाना की है। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आग लगने से हड़कंप मचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भीषण ये आग थी। और आजमगढ़ में कुत्ते के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। मुबारकपुर कस्बे की यह घटना है। कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था यहां पर, और शख्स ने टीका भी नहीं लगवाया था। उसी दिन से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है। उसके बर्ताव को देखते हुए घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान शख्स ने खिड़की से एक लड़के को ईंट मार दिया और इसके बाद आसपास के लोग भी जमा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने शख्स को घर से बाहर निकाला और हाथ पैर बांध कर अस्पताल ले गए। अस्पताल से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीएनएस सिम्टम पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया था। पेशेंट बहुत से इरिटेबल था, अजीब से हरकत कर रहा था। उसकी आंखें और ऐसे जीभ निकालना और इस तरह से एक्टिविटी थी उसकी। फिर हिस्ट्री लेने में पता चला कि उसको पानी भी नहीं पी रहा, हाइड्रोफोबिया शिकायत होती वो सब थे। और हिस्ट्री लेने में पता चला, परिजनों ने बताया कि उसको कुत्ते ने काटा था और इसके बाद इन्होंने टीका भी नहीं लगवाया था। तो ऐसे हिस्ट्री बताई तो मोस्ट कॉमन यही लग रहा था कि इसको रेबीज एनसेफेलाइटिस हुआ है। देवरिया में उड़ते उड़ते राजकीय पक्षी सारस जमीन पर गिर गया और वो घायल हो गया। घायल सारस पक्षी को देखने ग्रामीण दौड़ पड़े और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और घायल पक्षी को एक स्कूल में लेकर गए, इलाज किया। सारस के मुंह पंख में काफी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने खुर्रम नगर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचे और स्टेशन पर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी काम चल रहे हैं उनमें अच्छी प्रगति है। ज्यादातर काम दिसंबर और जनवरी तक पूरे होंगे। 11 नए फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उनमें अच्छी प्रगति है, मुझे संतोष हुआ है और अधिकांश काम दिसंबर जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। लगातार लखनऊ पर फोकस रह रहा है, कुछ और विकास कार्य और भी आगे बहुत सारे। अभी तो 11 ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फ्लाईओवर के, जो जिन पर की अभी काम प्रारंभ होना है, स्वीकृत हैं। टेंडर भी आगे होगा उसका, अभी कई पर चल रहा है काम। अब इतने नंबर इतना बड़ा है कि मैं बतला नहीं सकता कि कहां कहां कौन कौन से स्थान है, कितना काम चल रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़कर उनका साथ दिया, अब इंडिया गठबंधन बन गया है, यानी कि इंडी गठबंधन अब बन गया है, इसलिए अब उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। था जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था। जब एक बार चीज़ें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। आयकर विभाग ने रामपुर में आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर 3 दिन तक छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक आईटी की टीम ने 800 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का शक जताया है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 40 करोड़ के खर्च का दावा किया गया, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यूनिवर्सिटी बनाने में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। जमीन खरीद की जांच भी जारी है। आजम खान आईटी विभाग को निर्माण में हुए खर्च का ब्यौरा भी नहीं दे पाए। छापेमारी में मिले कागजातों की भी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उधर सीतापुर में 3 दिनों तक चली आईटी डिपार्टमेंट की रेड में कई अहम जानकारियां मिली है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक
जौहर यूनिवर्सिटी के खाते में 1000 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई थी। नेता और कई ठेकेदारों ने ये पैसा दिया था। जैदी के बेटे के इशारे पर लेनदेन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पैसा भेजने वालों की लिस्ट बनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली लिखी समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है और ये जिस प्रतिष्ठा का अधिकारी है वो हमने नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। हिंदी दिवस के मौके पर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया गया है क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में पारित किया था, लेकिन आज तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसको राष्ट्रभाषा के दर्जा के रूप में दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है और केंद्र सरकार से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी इसको राष्ट्रभाषा के रूप में पारित करे। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि देश में अलग अलग जुबानें हैं, सभी की जुबानों की तरक्की होनी को करते हैं कि वो लाइक सभी की होनी चाहिए तरक्की, ये कहा गया उनकी ओर से। और हिंदी को राजभाषा घोषित करें, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में सारी दुनिया में जुबानें हैं, मुख्तलिफ जुबानें हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेज़ी भी है और बहुत सी जुबानें अलग अलग हिस्से की हैं। तो जुबान से मुझे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, मैं सब जुबानों को लाइक करता हूँ, सबकी तरक्की होनी चाहिए, हर जुबान आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ ये लोग अगर हिंदुस्तान के लोग हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, ये उनकी राय है, मुझे इससे उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आगरा पहुंचे और उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में अंगदान के संकल्प कार्यक्रम में शिरकत की। एसएन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का भी शिलान्यास किया है। देश में ऑर्गन डोनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम लिया जा रहा है उसमें देश के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जनता का जब सहयोग मिलता है तब सरकार का हौसला बढ़ता है। दोस्तों यहाँ 76 क्रिटिकल ब्लॉक का शिलान्यास किया गया, इंटीग्रेटेड लैब का शिलान्यास किया गया। 1, 2, 3, 4 नहीं, भूतकाल में कोई मंत्री बनता था, कोई विधायक होता था, जो प्रेशर कर पाते थे या तो अपनी बात को जोर से कहते थे, वहां कभी छोटी सी अस्पताल खुल जाती थी, वहां छोटी सी कभी लैब खुल जाती थी। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करती है। मोदी सरकार कभी टोटल में नहीं सोचती। दोस्तों मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, सभी को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, हर लोग को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, दूर सुदूर पैदाने पर खड़े हुए लोग, एक झोपड़ी में रहने वाले लोग को भी कोई बीमारी की नौबत हो, ऐसी स्थिति में उसको अच्छा इलाज मिले। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द